जी बिलाल भाई आ गए हैं और यहाँ पे अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और मॉल पीछे बैठेगी ये आगे बताओ मुझे। आगे बैठेगी तो तो ये देखिए मुझे एक पिया आया है, अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। बस अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव विद मरियम में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ से आने वाली हर न्यू वीडियो अब तक पहुँचेगी। और मेरा इंस्टा भी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी मिल जाएगा। तो आज मैं घर में सबको इफ्तारी करवा रही हूँ और अब्बू का हतम दिलवा रही हूँ क्योंकि अब्बू खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो आज मैंने सोचा मैं वो चीज़ बनाऊँ जो अब्बू बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं मार्केट, लाल भाई के साथ कुछ सामान है वो लेके आती हूँ, फिर तो उसके बाद मैं इफ्तारी रेडी करती हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे अबू के लिए दुआ भी लाजमी मांगनी है। चलें जी, अनमोल भी मेरे साथ जा रही है क्योंकि अनमोल ने जीजी खानी है इसी रास्ते में, है ना? अनमोल जीजी लेगी अपनी। तो यहाँ पे हम लाल भाई का वेट कर रहे हैं, लाल भाई बस आने वाले हैं, बस रेडी होके आ रहे हैं जी। लाल भाई आ गए हैं और यहाँ पे अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और मॉल पीछे बैठेगी ये आगे बताओ मुझे। आगे बैठेगी तो बस फिर गया सब कुछ। अनमोल पीछे बैठेगी। चलो फिर चल अनमोल आगे बैठेगी। यहाँ पे मैं गेट खोलती हूँ। खोल दिया। आ गई है तो ऐसे पीछे बैठेगी और अनमोल मेरी गोदों में बैठेगी शैतानी करने के लिए। चले चलो आशा भी बैठ गया पीछे। और बिलाल भाई आपको पता है कहाँ जाना है? अरे चुन्नो जला मैं बच गई हूँ आपकी गोदी में। ऐसा तो बिलाल भाई आपको पता है हमने कहाँ जाना है? सामान लेने इफ्तारी का। हाँ इफ्तारी का सामान लेने जाना, फ्रूट्स लेंगे हम। अनमोल भी जो शौक से खाती है वो लेंगे, ठीक है? हाँ। तो आज हम गार्डन में जाएंगे। चले तो हम यहाँ पे आ गए हैं फ्रूट्स मार्केट में। और अनमोल अरबूजा नहीं लेना, अरबूजा अनमोल बहुत शौक से खाती है। तो चाट बनाने के लिए यहाँ से हम लेते हैं अरबूजा और साथ ये एप्पल भी है, एप्पल भी लेंगे चाट के लिए, है ना? तो चले जी फ्रूट्स हमने ले लिए हैं ना अनमोल। हाँ। और घर जाके अब चाट बनाएंगे मजे मजे के, ठीक है? तो अब हम चीजी वाले के पास जाएंगे। हाँ, तो अब अनमोल की क्या लेना? चिप्स ले लेना, ये वही चिप्स हैं, ये है ग्रीन कलर की, ये लो लेस चिप्स। ये ले एक साथ, ये भी ले लो चिप्स, ये लेस चिप्स लो, ये वाला, ये ग्रीन कलर का ना? नहीं ये वाला। चल आ जाओ, चलें घर फिर। चलो ठीक है आ जाओ, अब बिल बनाते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मिल गया, नॉन चीज़ें भी मिल गई हैं और सब कुछ जो मैंने लेना था सब कुछ मिल गया। अब घर चलते हैं और घर जाके तैयारी करते हैं अब तारीख की। तो चलें जी, अब मैं किचन में आ गई हूँ और अपना तारीख की तैयारी करती हूँ। मैं अब चाट बना रही हूँ, फ्रूट्स मैं ले आई थी और चिकन भी वॉश करके रख दिया है। मैं सोच रही थी सबसे पहले हम चाट बनाए उसको फ्रिज में रखें ठंडी होगी, उसके बाद मैं चिकन की तरफ आती हूँ। चलिए अच्छा ठीक है ना। अब जैसे ही ये चाट रेडी होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चाट के एंड में मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखिए मिक्सर टैंक और पानी और थोड़ा सा चीनी डाल के और थोड़ा सा ये मैंने चाट मसाला डाला है, इसको मैं ना एंड में ऊपर डालूंगी। अगर आप भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बना के देखिए, बहुत मज़े चाट बनती है। तो कुछ लोग क्रीमी चाट खाते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं क्रीमी चाट भी बनाऊंगी किसी इफ्तारी में। तो जैसे अब चाट रेडी होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, फ्रूट चाट रेडी हो गई है, इसे मैं डिश आउट करती हूँ और अब मैं आती हूँ किसी दूसरी चीज़ की तरफ। अब मैं क्या बनाने लगी हूँ, सोचें अब क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी भिगो के रख दी हैं और साथ ये है प्याज और टमाटर, क्योंकि अबू को भी बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ दही पकौड़ियाँ कहते थे अबू, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। तो मैंने सोचा आज मैं ये भी लाजमी बनाऊँ। तो अब मैं तरबूज की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए दही मूंदी रेडी हो गई है, इसमें बस दही डालेंगे जो हम हमेशा एंड में डालते हैं, जो इसे मैं साइड पर रखती हूँ। और अब ना यहाँ पे तरबूज की कटिंग हो रही है।
तो अब देखते हैं तरबूज मीठा है कैसा है, देखेंगे इफ्तारी के बाद देखेंगे ना आशा। चले फिर उसके बाद ना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर उसके बाद ना हम ना क्या करते हैं खाने की तरफ आते हैं। तो चले जी सब कुछ रेडी हो गया, तो डिनर के लिए जो चीज़ बनानी है तो मैं स्पेशल बू के लिए वो बहुत शौक से खाते हैं तो मैं बाद में बनाती हूँ। और ये चीज़ है अब मैं बना रही हूँ, तो ये देखिए मुझे पिया रहा है। अब मैं इसको ओपन करके आप दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। ओपन मैंने पहले कर दिया है तो आप सब कहती हैं मुझे हमने पहले ओपन किया था, फिर बाद में दिखाती हूँ। मैंने ओपन पहले ही किया था तो फिर भी क्या आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने मुझे एक सूट भेजा है, ये देखिए मेहरून कलर का, मेहरून और साथ गोल्डन है। तो इसको ओपन करती हूँ, ये देखिए ये है, तो ये है शर्ट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरी तरह से कैसे। ये देखिए ये है फ्रंट इसका, फ्रंट इसका ये ऐसे है, ये देखिए कैसा होगा शो, बहुत प्यारा है। तो ये इसकी बैग है अच्छे से, ये देखिए लाइनिंग वाली बैग भी बहुत लगती है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी भी है यहाँ से गले की, ये सारा नेक और ये नीचे से, ये देखें ये स्टाइल तो ज़बरदस्त हो गया है ना। और इसका जो है ट्राउज़र वो सिंपल ही है, ये देखें प्लेन प्लेन, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं, सही है ना। मुझे ट्राउज़र ऊपर जो डिज़ाइन बने होते हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोगों के बनवाते हैं या कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी होती है आजकल चल रहा है, लेकिन मुझे सिंपल अच्छे लगते हैं, सिंपल में सुकून होता है समर में। चले अब इसका इसके साथ दुपट्टा है शिफॉन का, ये देखें आप देख सकते हैं। और इनकी फेसबुक भी है, उनका भी मैं लिंक अपने कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपसे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अपनी समर शॉपिंग करनी है, इनकी शॉपिंग करनी है तो इनके पेज पे जाएं, मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, और अपनी इनकी शॉपिंग करें। बहुत ही इनकी अच्छी कलेक्शन है, समर कलेक्शन, और बहुत कम प्राइस में है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम यूज़ करेंगे। तो जाएं आप जाके ना अपना ऑर्डर करें और अपने सूट मंगवाएं। तो बस थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेन जो चीज़ रही है जो अफ्तारी में लोग बहुत शौक से पीते हैं और अबू भी बहुत शौक से पीते थे, वो था दूध और जामशेरी। तो चले जी ये देखिए जामशेरी वाला दूध रेडी है, इसके ऊपर मैं कैप लगाती हूँ और इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे रेडी होने लगे हैं पकोड़े, पकोड़ों का बैटर रेडी हो रहा है। आज सिर्फ पकोड़े बनेंगे प्याज और धनिए के, सही है। सबसे पहले नमक डालेंगे, फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और सूखा साबुत धनिया और ज़ीरा, और साथ ये चीज़ है पुदीना। ये अबू बहुत ज़्यादा शौक से पुदीना डलवाते थे क्योंकि ये हाजमा होता है। मसाले डाल दिए, अब यहाँ पे कटिंग हो रही है हरी मिर्च की, क्योंकि हरी मिर्च इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा करारे बनते हैं पकौड़े। लास्ट में रह गया है सोडा, मीठा सोडा, इससे पकौड़े ज़रा फूलते हैं और मतलब कच्चे नहीं रहते। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना। अच्छा, मैं हमेशा ना पतला कर देती हूँ और अम्मी हमेशा सही रखती हैं, है ना। चले फिर जैसे अब रेडी होता है उसके बाद हम पकौड़े फ्राई करते हैं। तो अफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया। तो अब आ जाती है चिकन बनाने की, ये वही चिकन है जो मैंने अबू के लास्ट वीडियो में बनाया था, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो सोचा मैंने कहा अबू का मैंने कम देना है तो आज मैं ये चिकन अबू के लिए बनाऊँ। तो ये देखिए सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, ये देखिए प्याज, चिकन कोगरा है, अदरक लहसुन है ये, और ये टमाटर, और साथ ये देखिए मिर्च और नमक और सूखा धनिया और साथ हल्दी और साथ धनिया जो एंड में डालेंगे। और ये सिरके के अंदर मैंने हरी मिर्चें काट के रखी है जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। ये हम एंड में डालेंगे दम के टाइम, और गर्म मसाला भी डाल देंगे एंड में। तो चले सबसे पहले मैं ना इसमें ना बर्तन में ऑयल डालती हूँ, तो अब मैं इसमें डाल दूँ प्याज, अब जैसे प्याज यूज होते हैं चलो फ्राई लाइट लाइट ब्राउन तो मैं उसके अंदर डालती हूँ बाकी मसाले। तो चले जी प्याज फ्राई हो गया, ये देखें लाइट लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसमें मैं अब ऐड करने लगी हूँ टमाटर, क्योंकि ये मेरा अपना पिक है, इसके साथ ना चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा।
अब ये अच्छी तरह मिक्स करके ना इसके अंदर हम ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था। नमक मिर्च वाले मसाले जो होते हैं ना वो बाद में हम ऐड करेंगे चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके अभी नहीं। तो ये मिक्स हो गया, अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चलो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो चिकन डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि चिकन का जो पानी है ना वो सूख जाए अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स करके इसके बाद मैं सारे मसाले ऐड करती हूँ। तो चलिए जी, देखिए मसाला अच्छी तरह बन चुका है। ये देखिए, तो अब मैं इस पर पानी डाल के प्याज लहसुन वगैरह चिकन वगैरह डाल जाए, पानी डाल के इसको दम पर रखती हूँ। तो चलिए जी, देखते हैं कि चिकन रेडी हो गया है। वाओ, चिकन की कितनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। और ये चिकन अब रेडी हो गया है। अब इसमें ना मसाला भून चुका है अच्छी तरह, और प्याज लहसुन और अदरक सब कुछ मिक्स हो गया अच्छी तरह, और चिकन भी गल गया है। अब मैं इसमें डालने गई हूँ सिरके वाली खड़ी मिर्चें जो मैंने बनाई थी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना कि कैसा बनाया, कैसा लगा आपको। तो लास्ट में मैं डाल रही हूँ धनिया, सारा धनिया डाल दिया। अब रह गया है गरम मसाला, इतना फैलाने के बस। अब ये सब कुछ डाल के फिर मैं फ्लेम को बंद करती हूँ, और मैं इसे दाम पे रखती हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसे दाम पे रख रही हूँ। तो बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी गरम मसाले की, धनिया की और हरी मिर्चे की। चले इसके बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चलें, तो चले जी, चिकन रेडी हो गया था, वो मैंने डिश आउट कर दिया। अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो जाहिर आपको पता है कि जब हम खत्म देते हैं ना, हम देने किसी को कहते हैं 40 दिन तक खाना देना चाहिए। तो हम ना मतलब रोज़ मतलब लोग अफ्तारी होने से पहले ना एक रोटी बना के ना देते हैं सालन के साथ। तो मैंने उनके लिए रोटी बना ली। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं ना खाना रेडी करती हूँ तो उनको देती हूँ। मैं ये सोचती मेरे अबू ने खाना है, तो बस अब रोटी रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद हम पकौड़े रेडी करते हैं। ऑयल मैंने रख दिया, अब जैसे ऑयल गर्म होता है हम पकौड़े रेडी करते हैं ना। अच्छा, आप भी बर्तन रख दिया भाई जी, टेबल रेडी है। चलो ठीक है। तो चले जी, रोटी रेडी हो गई है, मैंने रख दी रुमाल के अंदर। तो अब ना लास्ट में जो मेन काम होता है, जो सब लोग लास्ट में बनाते हैं गरम गरम पकौड़े, तो अब ना गरम गरम पकौड़े रेडी करने लगी हूँ मैं, हाथ के साथ ही करूँगी। हाथ तेज करो। पकौड़े तो बहुत ज़्यादा पसंद थे, कभी कभी बीमार भी होते थे ना, कहते थे नहीं जी पकौड़े दे दो, मुझे पकौड़े दे दो, मेरे पकौड़े रात में खाने हैं। और हम कहते थे नहीं अबू ना खाएं, आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए पकौड़े मुझे रात में चाहिए। चल जी, पकौड़े रेडी हो गए हैं, प्याज वाले पकौड़े आज रेडी हुए हैं। मैं इसे रिशॉर्ट करती हूँ। ये देखिए कैसे बने हैं। अच्छा, पहले ऑयल को करने, तो ऑयल निकल गया है। चलें, आज पकौड़ों की लुक डिफरेंट बनी हुई है। चूल्हा बंद करती हूँ और पकौड़े हमारे रेडी हैं। आज बहुत ही प्यारे पकौड़े बने हैं प्याज वाले, ऐसे ना पकौड़े हमेशा बनाती थी। तो आमना और आशा हमेशा आलू वाले खाना पसंद करती हूँ, मम्मा पापा जी। देखिए, मैंने सोचा आज मैं प्याज वाले बनाऊँ, वही बनाऊँ जो मेरे पसंद करते थे प्याज वाले पकौड़े, और मैं भी शौक से खाती हूँ। तो बस अब आते हैं दही बूंदी की तरफ। इसमें दही डाल के इसको मिक्स करेंगे, तो लास्ट में हम बूंदी में डालेंगे दही और ये बन जाएगी दही बूंदी। तो अबू हमेशा ऐसे पकौड़ियाँ कहते होते थे, पकौड़ियाँ बना लो मुझे, पकौड़ियाँ खिला लो, बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। और कभी इतनी ज़्यादा खा लेते थे तबीयत ख़राब हो जाती थी, और अब मना करती थी कि आप नहीं खानी, कहते मेरे लास्ट में खानी है। और रमज़ान में अफ्तारी के टाइम ना हमेशा ना पकौड़ियाँ लास्ट में खाते थे, तो इसलिए ना अली भाई भी शौक से खाते हैं और आशा भी, और मैं इतने शौक से नहीं खाती। तो अब ना इसके अंदर ना हम ना दही ऐड करेंगे मिक्स करके। सही, अब इसे मिक्स करेंगे। तो चले जी, मिक्स हो गया दही बूंदी, अब रेडी है। अब इसे टेबल पर रखते हैं। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं चीज़ें यहाँ पर लगा रही हूँ, सेटिंग हो रही है दही बूंदी और साथ ही और बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलो ला रहा हूँ जी,
तो ब्लॉग भाई भी आ गए हैं माशाल्लाह से, तो भी बहन भी आ गए हैं बैठे, और बाकी और भी चीज़ें मैं लेके आती हूँ। चले ये भी मैंने लगती उस्तादी के लिए देखती हूँ, ये मिर्ची और साथ समोसे हैं, ये है क्या कहते हैं उसको पराठा रोल, पराठा रोल कहते हैं पराठा, स्टफ पराठा हाँ, और साथ ये है उन्होंने भेजी है बोल्स, बोल्स बोल्स, और ये बिरयानी भी, तो ये है कस्टर्ड और साथ है ये जूस भी है अनमोल के लिए, ओपन करते हैं ये देखिए। तो ये देखिए चिकन भी आ गया और साथ ये रोटियां हैं, साथ ये चिकन है। चलिए अब बैठते हैं, तो हम सब बैठ गए हैं, तो सारे में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं सोच रही थी इससे पहले हम ना अबू के लिए दुआ मांगे, क्योंकि मैंने आज अबू के लिए चिकन बनाया था, तो उनके लिए सब चीज़ें शामिल हैं ये। चले फिर दुआ मांगते हैं, तो बस अब रोजा स्टार्ट होने लगा, तो दुआ मांगते हैं, स्टार्ट करते हैं रोजा खजूर से। अनमोल क्या खा रही है? रोल तंग खा रही है ना आज बहुत ज़्यादा, अभी चुप हुई है। तो बिलाल भाई बताएं चाट कैसे बनी है? डिफरेंट चाट बनाई मैंने, अच्छी बनी है ना? खट्टे मीठे, टोपी तो बहुत सूट कर रही है आपको आज। चलो जी अली भाई भी आ गए हैं, तो अली भाई आप अपना कुछ खा लें, आप इतना कुछ है यहाँ पे टेबल पे लगा हुआ है, दूध भी है साथ सब कुछ है, ये दूध मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें क्या डाला है? वो चामिश्री डाला हुआ है, जूस भी है, ये बोतल डाली, ये 7-Up भी है इसमें आप ऐड कर लें। तो अली भाई दूध सोडा शौक से पीते हैं, तो इसलिए ना दूध सोडा 7-Up डाल रहे हैं इसमें। दही बूंदी खा रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़्यादा फ्राई चीज़ें कम खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता। अच्छा, मैं यहाँ पे चाट इंजॉय कर रही हूँ, सबसे पहले मैं चाट खाती थी लेकिन आज लास्ट में खा रही हूँ। यहाँ पे अली भाई दूध सोडा पी रहे हैं, बन गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है आपको? मैं नहीं पी सकती, मैं नहीं पी सकती, मुझे हजम नहीं होता इसलिए। अली भाई कैसी लगी खीर आपको? मज़ेदार ना? सबसे अच्छी ये मेरी खीर, सारी में अच्छी थी आपकी खीर, अच्छी है खीर, अच्छी आई है। और साथ ये हैं दही, दही मले भी हैं, दही मले देखे हैं, साथ ऊपर उन्होंने वो करारी डाली हुई है, करारी नहीं पापड़ी, अच्छी है ना? खीर खाई है, अच्छा। और बिलाल भाई अब यहाँ पे खा रहे हैं बिरयानी, क्योंकि आजकल उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना? कब खाई है मैंने बिरयानी खानी? अच्छा, मैं खाना जो था ना थाली में खाना नहीं खाता, हाँ जस्ट एक पकौड़ा खा लिया, बड़ी ज़्यादा चाट दही भले खाए बस। तो अब ना चिकन का सालन भी खाना है सामने नान के साथ, रात को खाएंगे, हाँ मैं भी टेस्ट करती हूँ, अभी मुझे बहुत शौक था खाने का और बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैं भी टेस्ट करती हूँ। अच्छा आज मम्मा अभी सहरी बनाएंगी, और आज हमारे घर की कुछ सेटिंग रह गई, ये पीछे आपको नजर आ रहा होगा कुछ सेटिंग, हाँ। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो अफ्तारी की वीडियो, और मैंने अबू के लिए हतम दिलवाया, तो आपको कैसी लगी? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी लाइक करें। तो अफ्तारी के टाइम अबू की बहुत ज़्यादा याद आई, बहुत ज़्यादा, जो लोग चले जाते हैं हमेशा के लिए वो कभी वापस नहीं आते, तो अल्लाह ताला हमें सब्र दे। मेरी मम्मी को, हम सब बहन भाइयों को बहुत याद आती है अबू की, पल पल आती है याद, कि जब जहाँ अबू बैठते थे ज़्यादातर उस जगह को देख के अबू की बहुत ज़्यादा याद आती है। सारा दिन अबू टी वी लगा के बैठे थे, जब से अबू गए हैं कभी हमने एक दफ़ा भी टी वी ऑन नहीं किया,
तो वैसे भी कहते हैं ना अभी टीवी ऑन नहीं करते कि मतलब फोदगी हो जहाँ, तो हमने एक दफ़ा भी टीवी ऑन नहीं किया क्योंकि हमारा दिल नहीं करा टीवी ऑन करने को। अब वो हमेशा टीवी लगाते होते थे, बस जाने वाले कभी वापस नहीं आते। बस हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरे अबू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल हो और उनकी मंजिलें आसान हो। बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र दें, मेरी अम्मी को, आशा को, आशा भी बहुत ज़्यादा अपसेट है बहुत ज़्यादा, और बिलाल भाई भी, हम सब। तो छोटी अनमोल है वो कहती है कि दादा अबू की इतनी याद आ रही है, पूछते दादो दादा अबू कहाँ पे है, मैंने उन्हें देखना है। कल कह रही थी, मैंने कहती मैं थोड़ा सा देखूँगी दादा अबू की शक्ल कैसी है। तो इतना हम दुखी हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कह सकते अनमोल को कि अनमोल दादा अबू किधर है। लेकिन अभी छोटी है ना, अभी उसे सही नहीं पता। दादा अबू को इतना मतलब शैतानियाँ करती थी, तंग करती थी, दादा अबू से डांट देते थे कि तुम बस अनमोल ये ना करो वो ना करो। तो बस वो दिन याद आते हैं जी, अबू हमें हर बात से रोकते थे। तो अब एहसास होता है कि अबू मतलब ठीक करते थे कि अनमोल के साथ, अनमोल हमें तंग करती थी तो अनमोल को डांटते थे ऐसे ऐसे, इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जो उनसे। तो ज़ाहिर है जो इंसान नहीं रहता इस दुनिया में फिर उसकी याद आती है, इतनी बेहद याद आती है अबू की, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले मतलब हमेशा याद आती रहती है अबू की। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ जब अबू की तस्वीर देखूँ तो सोचती हूँ मम्मी अबू कहाँ हैं, ऐसे लगता है वो बस आने वाले हैं, बाहर गए हैं काम पे, तो बस काम से आने वाले हैं ऐसे लगता है। लेकिन जब दिल कर जब सोचती हूँ कि ये मतलब अबू चले गए हैं अब नहीं आ सकते, फिर मैं अपने अपने दिल में हौसला कर लेती हूँ, सब्र कर लेती हूँ कि वो जहाँ गए हैं वहाँ से वापस कभी नहीं आ सकते। बस ये तो सब वही जानते हैं जिनके साथ ये ऐसी बीती है जैसे हमारे साथ, जिनके बाप जिंदा नहीं है। तो बस अल्लाह ताला सबको हौसला दे हम सबको। तो इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही अच्छी होगी। तो हम सबको अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।